हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीटी एकेडमी पर। बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना डेली न्यूज एनालिसिस, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट मी। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या है आज की इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने। और पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज बीन सैंक्शन बाई एक्सिस बैंक फॉर इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर अंडर समृद्ध फैसिलिटी। यानी कितना लोन सैंक्शन किया एक्सिस बैंक ने आपके समृद्ध फैसिलिटी के अंतर्गत? तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, 150 मिलियन डॉलर का लोन वगैरह आपका सैंक्शन किया है एक्सिस बैंक ने। इन दोनों चीजें, दोनों लोग मिलकर आपस में चीजों को आगे बढ़ाएंगे। क्या है समृद्ध, इसको देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमें जानकारी मिल गई कितना लोन, अबाउट 150 मिलियन डॉलर, लगभग 1140 करोड़ रुपए। इस योजना मतलब ये आपका जो स्टार्ट किया गया हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथ करने के लिए, तो इसमें इतना पैसा सैंक्शन किया गया एक्सिस बैंक ने। और समृद्ध है क्या? समृद्ध हेल्थ केयर ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी है, जो कि एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें क्या किया जाएगा, इम्प्रूव द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ द स्किल्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन इंडिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, समृद्धि सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब IIT दिल्ली के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। फिर उसके बाद समृद्ध का इस आपका वो भी है, फुल फॉर्म वगैरह है। समृद्ध एक तरीके से क्या है, एब्रिविएशन है। तो सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट एंड सोर्स ऑफ इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है ना। तो कभी क्या पता एग्जाम में घुमा के ही पूछ ले आपसे, तो आपको ध्यान रखना है। टोटल सारी चीजें इस प्रश्न से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल गया होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs चार्जिंग स्टेशन फॉर फोर व्हीलर्स स्टेब्लिश किया गया है विद 121 चार्जिंग पॉइंट्स के। पहले 100 चार्जिंग पॉइंट का रिकॉर्ड था, देखो भी रिकॉर्ड टूट गया। इंडिया इसमें बहुत तेज, रिकॉर्ड टूटने में अपना ही रिकॉर्ड हम लोग तोड़ते हैं। तो 121 चार्जिंग पॉइंट्स हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी, किस सिटी में लॉन्च किया गया? ध्यान में रखिएगा गुड़गांव में। गुड़गांव में इसके पहले भी था जो 100 का था, गुड़गांव वालों ने फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया 121 के साथ, ठीक है ना। लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फोर व्हीलर्स का लॉन्च किया गया सेक्टर 86 में, याद रखना बच्चों, गुड़गांव को सेक्टर 86 में। और इसके पहले जो था याद रखिएगा सेक्टर 52 में, देखिए खोला गया था, चर्चा किए थे हम लोग सेक्टर 52 में जनवरी 2022 में, ठीक है ना, फोर व्हीलर्स का, जिसमें 100 चार्जिंग स्टेशन थे। अब सेक्टर 46 में आपका खुल गया है, आपका कितने चार्जिंग स्टेशन, 121 चार्जिंग पॉइंट्स फॉर फोर व्हीलर्स, और 1000 कार लगभग एक दिन में चार्ज हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। गुड़गांव इज नाउ टू लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस इंडिया, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह का शुभारंभ कर दीजिए खरीदने का। अगला प्रश्न, विच ऑफ दीज हैज बीन अवार्डेड द स्पेशल ज्यूरी अवार्ड दिया गया है एट द 9th एडिशन ऑफ फिकी वाटर अवार्ड्स, किसको दिया गया है? चार ऑप्शंस आपके सामने, और अवार्ड मिला है ध्यान में रखिएगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को दिया गया है, ठीक है ना। किस लिए, आप समझ ही सकते हैं इसका मेन मिशन क्या है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के फैसिलिटेट किया गया है स्पेशल ज्यूरी अवार्ड्स 9वें एडिशन फिक्की वाटर अवार्ड्स में, ठीक है ना। तो ये क्या किया गया, इसके एफर्ट्स के लिए, एफर्ट्स इन रिवाइविंग रिवर गंगा एंड ब्रिंग अबाउट पैराडाइम शिफ्ट इन वाटर मैनेजमेंट। तो काफी अच्छा काम कर रही है गंगा को साफ सफाई करने के लिए, तो इसीलिए इसको दिया गया। 9th एडिशन ऑफ द फिक्की वाटर अवार्ड्स वर ऑर्गेनाइज बाई फिक्की, 7th इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ, 2 से 3 मार्च के बीच में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डिफेंस एक्सपो मतलब डेफ एक्सपो 2022 को फिर से पोस्टपोन कर दिया है टिल फर्दर ऑर्डर्स, द इवेंट्स वॉज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन विच सिटी, कहाँ पे था, रांची बेंगलोर लंगलू लखनऊ या गांधीनगर? तो आंसर आपका होना चाहिए गांधीनगर था, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट डेफ एक्सपो 2022 दैट वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन फ्रॉम कब से, मार्च 10 से लेके 14 इन गांधीनगर आप गुजरात को पोस्टपोन कर दिया गया अगले ऑर्डर तक। न्यू डेट्स ऑफ द डिफेंस एक्सपो शैल बी कम्युनिकेटेड इन ड्यू कोर्स, ठीक है ना, बच्चों ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, इंडिया हैज साइंड होस्ट कंट्री एग्रीमेंट जिसको SCA कहते हैं विद इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन मतलब ITU
फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ ITU इन विच सिटी, किस सिटी में किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके बारे में जानकारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है SCA मतलब होस्ट कंट्री एग्रीमेंट, किसके साथ? विद ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, किस लिए? फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ ITU इन न्यू दिल्ली, ठीक है ना। तो होस्ट कंट्री एग्रीमेंट प्रोवाइड द लीगल एंड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क किसको? फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द एरिया ऑफिस। द एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ ITU एट न्यू दिल्ली विल साउथ एशियन कंट्रीज, कौन कौन है इसमें? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका एंड इंडिया, ठीक है बच्चों, सारी जानकारी मिल गई होगी। आगे बढ़ते हैं, वीडा। तो वीडा इज ए न्यू ब्रांड नेम लॉन्च बाई विच कंपनी फॉर इट्स अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है ना। तो कौन सी कंपनी है, ध्यान में रखिएगा, ये रहा आपकी कंपनी, आपके सामने लीक हो गया प्रश्न का उत्तर, और हीरो मोटर कॉर्प है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, इसी ने बीडा नाम का नया ब्रांड लॉन्च किया है अपनी नई गाड़ियों को लेके, ठीक है ना। बीडा मीन्स लाइफ होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बीडा फॉर इट्स इमर्जिंग मोबाइल सॉल्यूशन, मोबिलिटी सॉल्यूशन जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बीडा ब्रांड नेम हैज बीन अनवील्ड बाई कौन भाई साहब? ये पवन मुंजाल है जो कि चेयरमैन एंड CEO है। 3 मार्च को इन्होंने कहा, ही इज ऑल्सो अनाउंस 100 मिलियन ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फंड दैट विल हेल्प द कंपनी टू नर्चर मोर देन 10,000 एंटरप्रेन्योर्स आर ESG सॉल्यूशंस, ठीक। तो पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल भैया कब आएगी? ब्रांड विल बी ऑफिशियली अनवील्ड 1 जुलाई 2022 को, अपना खुलासा वगैरह करेंगे कैसे कैसे होगी, किसके बर्थ एनिवर्सरी पर, जो चेयरमैन साहब हैं आपके, किसके? हीरो मोटर कॉप की, मोटो कॉप की, तो बताया जाएगा आपको भैया कैसी कैसी गाड़ी वगैरह आ रही। तो आप दिल थाम के बैठिए 1 जुलाई 2022 को लेके। अगला प्रश्न, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द एरो एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज? जेट एयरवेज का किसको CEO बनाया गया? तो 4 ऑप्शन है, और सही जवाब आप मारिएगा संजीव कपूर को। संजीव कपूर कौन बनाए गए हैं? नए आपके जेट एयरवेज के CEO साहब। तो CEO साहब हैं भाई, चलो अच्छी बात है, 4 अप्रैल से अपना बन जाएंगे। जलान का लाख कंसोर्टम इज द न्यू प्रमोटर ऑफ द न्यू जेट एयरवेज, ठीक है ना। कपूर इसके पहले भाई प्रेसिडेंट हुआ करते थे ओबेरॉय होटल्स के, हैज नाउ वर्क एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट स्पाइस जेट एंड चीफ स्ट्रेटजी एंड कमर्शियल ऑफिसर है विस्तारा, तो याद रखना नाम इनका। ये आपके सामने है भाई साहब अमन लेखी है, ठीक है ना, अमल लेखी हैं। अभी हाल ही में इन्होंने रिजाइन दे दिया, अब किस पद से? तो ध्यान रखना, एडिटर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हुआ करते थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, कारण वगैरह नहीं बताए। इनका कार्यकाल अभी चलने वाला था, पूरा लंबा घिसने वाला था, ठीक है ना। तो 30 जून 2023 तक थे, लेकिन ये अपना छोड़ छाड़ दिए। मीनाक्षी लेखी इनकी इनकी वाइफ हैं, ध्यान में आपको होगा, मीनाक्षी लेखी होकर देखते होंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने ASG के पद से इस्तीफा दे दिया है, ध्यान में रखना, इनका नाम है अमन लेखी। क्रिकेट लीजेंड शेन वॉर्न हैज पास्ड अवे। तो पूछ लेंगे भैया किस कंट्री के थे, तो हम लोग तो चलो क्रिकेट जानते हैं तो इनको तुरंत जान जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के थे, लेकिन अगर नहीं जानता होगा कोई, क्रिकेट उतना शौकीन नहीं होगा, तो बोल देगा न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज के थे, तो ये ध्यान में रखना सबके लिए, भाई सब क्रिकेट नहीं देखते, तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। इतने बड़े खिलाड़ी हमारे बीच अब नहीं रहे, ठीक है ना। शेन वॉन 52 साल की उम्र में इनको दिल का दौरा पड़ा और ये स्वर्ग चले गए। 2013 में ही वॉज इंडक्टेड इन टू द ICC हॉल ऑफ फेम में इनको जगह मिल गई थी, ठीक है ना। ही इज रिगार्डेड द ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ क्रिकेट एंड प्लेड 145 टेस्ट और 708 विकेट इन्होंने लिए थे, तो आप समझ सकते हैं कितने खतरनाक आदमी थे। तो 2022 का ICC वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे किया जाएगा, आयोजन वगैरह ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है प्रश्न, आपका लीक हो चुका है, न्यूजीलैंड में आयोजित हो रहा है, और आज भारत ने हरा दिया है पाकिस्तान को। तो दिस इज ऑल अबाउट 12th एडिशन है ये ICC महिला विश्व कप का, जो कि 4 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक खेला जाने वाला है। ओपनिंग मैच ICC वीमेंस वर्ल्ड कप हेल्ड इन बे ओवल इन माउंट मांडवी बिटवीन द वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड, इन विच वेस्ट इंडीज वीमेंस बीट 3 रन से, सब सारी चीजें हैं। द फाइनल मैच इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इज हैगले ओवल स्टेडियम,
टोटल 8 टीमें हैं इसमें, अपना न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब लोग जुटे हैं खेलने के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो जनरल यसेफ रोड्रिगस का देहांत हो गया है, तो वो किस स्टेट के गवर्नर भी हुआ करते थे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सही जवाब बच्चों पंजाब, सही जवाब आप करके आइएगा, ठीक है ना। 1990 से लेकर 93 के बीच में हेड ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी रहे, फिर उसके बाद इनको गवर्नर ऑफ पंजाब बनाया गया 2004 से लेकर 10 के बीच में रहे, ठीक है ना। ही हेड सब टू टर्म्स इन द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन, आशा करता हूँ सारी चीजें अच्छी लगी होंगी, पसंद आया होगा। बाकी चीजों के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना धर्म कर्तव्य निभाइए। हम पढ़ा के आपको अच्छा दिशा मार्गदर्शन देके तो अपना धर्म कर्तव्य निभा रहे हैं, तो आपसे भी जितना संभव प्रयास हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप मेहनत करके पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव सोचते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहे बच्चों। तो बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।